एलिमिनेशन मैच कार्ड प्रिडिक्शंस रॉक एक्सक्लूसिव पेपर व्यू है, उसके मैच कार्ड प्रिडिक्शन की आज हम बात करेंगे। सो कम ऑन, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो स्वागत है, हमें लॉग इन किया है रेस्लिंग बीट, और चलिए साथ करते हैं आज अपनी वीडियो क्रिकेट। रॉक एक्सक्लूसिव पेपर व्यू बिफोर रेसलमेनिया 34 वो है एलिमिनेशन चैम्बर। उसमें बहुत कम मैचेस बुक हुए हैं और स्पेशली एक पेल शो माना जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेसलमेनिया से पहले है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच यहाँ पे हो सकता है और कुछ अच्छे मैच हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं और रूमर्स आ रहे हैं कैंडिडेट कभी रन करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहला मैच जो है बुक हुआ है वो है नाया चैक्स वर्सेस आस्का। अगर यहाँ पे नाया चैक्स जीत जाती है तो वो हो जाएगा ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। अब मुझे लगता है कि कल परसों की जो नाया चैक्स है वो आस्का की स्ट्रिक तोड़ देंगी। वो एनएक्सटी में कई बार हारी है आस्का से, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे जो बिग ट्राई करी है नाया चैक्स को दोबारा पुश देने का। तो लेट्स सी। उसके बाद है यहाँ पर कम ऑन रोंडा रोजी का डेब्यू, मिस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा रॉ के अगेंस्ट तो नहीं होगा, मिस रॉ में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा। और यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल सकता है कि रोंडा रोजी के लिए अगला क्या होने वाला है, मीन्स उनका अपोनेंट क्या होगा रेसलमेनिया 34 में। वो होगा रॉक, कर्ट एंगल, ब्रॉन स्ट्रोमन, सेथ रॉलिंस, मीन्स क्या होगा वो तो हमें सिर्फ साफ होगा एलिमिनेशन चैम्बर में। स्पेशली ये बड़ा ही एक्साइटेड हो सकता है और बहुत ही अच्छा हो सकता है क्योंकि यहाँ से हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि ट्रिपल एच और रोंडा रोजी के लिए क्या नेक्स्ट है, या फिर ट्रिपल एच और रोंडा रोजी एक ही टीम में होंगे या फिर अगेंस्ट होंगे, वो तो हमें सिर्फ देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चैम्बर में। उसके बाद जो मैच बुक मैंने प्रिडिक्ट किया क्योंकि अभी ये मैच बुक नहीं हुआ, स्पेशली यहाँ पे बार अभी किसी भी मैच में बुक नहीं हुआ एलिमिनेशन चैम्बर में पेपर व्यू में, तो कहीं कहीं यहाँ पे हो सकता है द पार वर्सेज रिवाइवल्स फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स। उसके बाद है आप ये मैच करेंगे प्री शो में बुक हो सकता है, बहुत पुरानी राइवलरी चल रही है, तो यहाँ पे हो सकता है प्रे वाइट वर्सेस वोकन मैठारी और एक अच्छा मैच साबित हो सकता है अगर डब्ल्यू बी चाहे तो। उसके बाद है यहाँ पर सेवन मैन एलिमिनेशन चैम्बर मैच, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा मैच है, स्पेशली हम इसे मेन इवेंट मान रहे हैं और कौन नहीं चाहता इस मैच को। इसमें फर्स्ट एवर मीन फर्स्ट टाइम इसमें सात मेंबर होंगे, वो है फिन बैलर, एलियस ब्रॉन स्ट्रोमन, जॉन सीना, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड द मिज। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लाइन पे नहीं होगा क्योंकि मिज खुद ही एलिमिनेशन चैम्बर में है, तो देखते हैं क्या और कौन विनर होता है इस मैच में। उसके बाद है फर्स्ट टाइम एवर वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच, और इसमें एलेक्सा ब्लिस की जो टाइटल है वो डिफेंड होगा अगेंस्ट बेली, मैंडी रोज, मिकी जेम्स, सोनिया डेविल एंड साशा बैंक्स। इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैच होगा और ये भी कहीं ना कहीं मेन इवेंट हो सकता है, तो हमें सिर्फ देखना है एलिमिनेशन चैम्बर में तो क्या होता है क्या नहीं। दोस्तों यही थी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें, जो डब्ल्यू का फैन है, एंड थैंक यू सो मच।